भारत में विरासत की संपत्ति में टैक्स लगाने की वकालत कर सीनियर कांग्रेस नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया है। सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा के इस बयान पर विवाद खड़ा हुआ है। पहले भी कई मौकों पर उन्होंने विवादित टिप्पणियां की और बाद में यूटर्न ले लिया। इस बीच आपको बता दें कि सैम पित्रोदा के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 अप्रैल को मीडिया को संबोधित करते हुए देश और इसके लोगों के प्रति कांग्रेस की सच्ची मानसिकता का खुलासा किया। देश के प्रति और देश की आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, यह पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी और कल फिर एक बार उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात, 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदंबरम, उनके द्वारा भी इन सब चीजों की वकालत बार बार की जाती थी। और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ही करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की उसी मनसा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। वो तो अच्छा है 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, अन्यथा कांग्रेस उसको उसी समय लागू कर चुकी होती। कांग्रेस के कुछ सांसद भी सैम पित्रोदा की बातों का समर्थन कर रहे हैं, जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं वे लोग समर्थन कर रहे हैं। ये चीज़ें दिखाती हैं कि इनकी मनसा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं, उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं और दूसरा विरासत टैक्स के आधार पर पूरे देश को तबाह करना चाहते हैं। तो इन दोनों के प्रति देश को सतर्क रहना होगा, आम जनमानस को सतर्क रहना होगा और कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के इन मंसूबों को पूरी तरह खारिज करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का अपना सही उपयोग करना होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर हुआ तो हुआ टिप्पणी की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने खुद को उनके बयान से दूरी बना ली थी। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।